अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फरहीन और आप देख रहे हैं फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज हमारे किचन में बन रहे हैं कैरमल पॉपकॉर्न, तो चलिए देखते हैं ये कैरमल पॉपकॉर्न कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बर्तन में 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। आप ऑयल की जगह पर मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो हम इसमें पॉपकॉर्न सीड ऐड करेंगे और इसे चम्मच से लगातार चलाते रहेंगे। ये पॉपकॉर्न सीड हाफ कप हैं, आपको ये मार्केट में इजीली मिल जाएंगे। आप इसे पॉपकॉर्न की मकाई बोलकर भी खरीद सकते हैं। गैस की फ्लेम हमें हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर ही हम इसे कुछ देर के लिए भूनेंगे। जब ये फटना स्टार्ट हो जाएंगे तो हम इसे कवर कर देंगे। तो देखिए अब ये पॉपकॉर्न सीड्स फटने लगे हैं, तो हम इसे कवर कर देते हैं। गैस की फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। जब ये फटना बंद हो जाएंगे तो समझ लीजिए आपके पॉपकॉर्न रेडी हो चुके हैं। तो देखिए अब इसकी आवाज़ बंद हो चुकी है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पॉपकॉर्न जो है वो पूरी तरह से रेडी हैं, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इस पॉपकॉर्न को हम एक बर्तन में निकाल लेते हैं और इसके बाद हम कैरमल तैयार करेंगे। तो कैरमल बनाने के लिए हम बर्तन में चीनी डाल देते हैं और लो फ्लेम पर हम चीनी को मेल्ट करेंगे। ये 1 कप चीनी है, आप इसकी जगह पर ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए जो चीनी है वो मेल्ट होने लगी है। तो जब तक ये चीनी मेल्ट नहीं हो जाती हम इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो देखिए जो चीनी है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून बटर और 1/2 टीस्पून वनीला एसेंस। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये सभी चीज़ें मिक्स होने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही ये बेकिंग सोडा और शुगर सिरप में मिक्स होगा तो इसका हल्का सा कलर चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। बेकिंग सोडा इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है, हमारा कैरमल रेडी है, तो हम इसमें पॉपकॉर्न ऐड कर देते हैं। पॉपकॉर्न को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पॉपकॉर्न को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। पॉपकॉर्न को मैंने प्लेट में निकाल लिया है, अब हम इसे एक साइड में रख देंगे 10 मिनट के लिए ताकि ये ठंडे हो जाएं। जब ये ठंडे होंगे तो ये चिपक जाते हैं एक दूसरे पर, तो हमें इसको तोड़कर अलग करना होता है। तो फिलहाल के लिए अब हम इसे साइड में रख देते हैं और जब ये ठंडे हो जाएंगे तब हम इसे तोड़कर अलग कर लेंगे। तो अब ये पॉपकॉर्न जो है वो ठंडे हो चुके हैं, तो हम इसे अलग कर लेते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं। तो इसी तरह से हम सारे पॉपकॉर्न तोड़कर अलग करते जाएंगे। तो मैंने सारे पॉपकॉर्न तोड़कर अलग कर लिया है, ये बड़े क्रिस्पी बने हैं। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।